अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई? अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी की लेटेस्ट न्यू ज़रूरी अपडेट। और इंडियन एम्बेसी ने आज एक मीटिंग की है, मीटिंग में क्या बातचीत हुई है उसके बारे में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर ही देखिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे हमारी तरफ से। हमारे प्यार भाई, वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर ही देखिएगा। चले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा हिंदी गल्फ न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। भारत से बहरीन के लिए उड़ान की सुविधा उपलब्ध है। अगर जिनको इंडिया से बहरीन डायरेक्ट अगर जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट अभी आपको लेना है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट की टिकट मिल जाएगा बहरीन जाने के लिए। ये फ़्लाइट आपको मुंबई से उपलब्ध होगा। मुंबई से आपको अगर जाना होगा बहरीन तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के जा सकते हैं। वैसे दिल्ली से भी आपको फ़्लाइट मिल जाएगा, उसके हवाले से पहले ही अपडेट आया था, मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अभी अभी जो कि आया है जानकारी, आपको मुंबई से बहरीन के लिए डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको मिल जाएगा। जिनको जाना है एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट लेकर के डायरेक्ट वो बहरीन जा सकते हैं। उनको अगर वहाँ से कहीं और जाना होगा तो वो लोग भी वहाँ से कुछ यानी अपना कर करके फिर किसी भी तरीके से अपना जगह पे पहुँच सकता है। जी हाँ मेरे भाई, चले इसी के साथ और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी एयरलाइंस की तरफ से ये अपडेट जारी हुआ है। जैसे कि जो लोग सऊदी अरब में अभी रहते हैं, उनको अगर दुबई जाने के लिए सऊदी एयरलाइंस का अगर टिकट अभी आपको मान लो अगर लेना है किसी भी भाई को, उनको 15% यानी छूट मिलेगा। जी हाँ मेरे भाई, तो खैर बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर जिनको किसी को यानी जाने के लिए होता है, बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, ख़ासतौर पर ज़्यादातर तो सऊदी ही नागरिक इनका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि सऊदी जो नागरिक है वो घूमने के लिए जाएंगे सऊदी एयरलाइंस का टिकट ले करके, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उनको 15% इसको डिस्काउंट मिलेगा और सऊदी एयरलाइंस का टिकट लेगा जब भी उनको फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर जिनको जाना होगा तो दुबई होते हुए वो लोग इंडिया आ सकते हैं। इस तरीके से अगर 15% आपको अगर टिकट अगर बचाना है तो इस तरीके से भी आप फ़्लाइट लेकर के जो कि आप सऊदी से इंडिया आ सकते हैं। खैर इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट होगा, आपको थोड़ी सी आसानी होगा। इस तरीके से अगर आने के लिए चाहेंगे तो आप आ सकते हैं, खैर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी जो कि सऊदी अरब से आते हैं अभी। चले इसी के साथ और अपडेट की मैं जानकारी दे दूँ सऊदी अरब का कोरोना का अपडेट, जो कि 8 अक्टूबर का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर आज भी 48 न्यू केस निकले हैं। जी हाँ मेरे भाई, बाकी 41 लोग ठीक भी हुए हैं, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी 3 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। टोटल जो सऊदी में कितने सारे लोग मरे हैं उनको भी आप देख सकते हैं, 8,739 लोग अब तक सऊदी में मर चुका है। बाकी आईसीयू में जो रखा गया उनको भी थोड़ी सी आप देख लीजिए, 138 केस जो कि आईसीयू में रखा गया है। खैर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, खैर इंशाल्लाह सब चीज़ सऊदी में समय तो नॉर्मल है। अभी बात कर लेते हैं एयर इंडिया नहीं, इंडियन एम्बेसी की तरफ से आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या बातचीत हुई है, जो कि इनका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, जिनको कि आराम से आप देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं खुली है, इंडियन एम्बेसी कोई बातचीत नहीं कर रही है, नहीं तो इंडिया का गवर्नमेंट कोई बातचीत कर रहा है फ़्लाइट के लिए, नहीं तो सऊदी का गवर्नमेंट कोई बातचीत कर रहा है। लेकिन इंडियन एम्बेसी जो है थोड़ी बहुत जो कि बातचीत करती है, लेकिन उसमें समय तो कोई काम का खबर होता नहीं है। आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये बातचीत हुई, उन्होंने ख़ासतौर करके थोड़ी सी बिजनेस के लिए, अपनी बिजनेस चलाने के लिए, जिनको बोलता है अपना कारोबार चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने मीटिंग किया है। मीटिंग में यही बातचीत हुई है, उधर से कोई सामान लेकर के मान लो इंडिया से आएगा और सऊदी अरब से कोई सामान उधर इंडिया में जाएगा, इस तरीके से कोई बातचीत यानी होती है उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन फ़्लाइट से रिलेटेड अब तक समझे तो कोई भी बातचीत नहीं की है। इंडियन एम्बेसी को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। इंडियन एम्बेसी अपना जो सऊदी अरब में है रियाद के अंदर, उनको फ़्लाइट से रिलेटेड कोई बातचीत करना चाहिए, लेकिन कोई भी जानकारी खैर नहीं आया। खैर इंशाल्लाह उम्मीद है, इस तरीके का उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी अल्लाह चाहेगा तो सब चीज़ सऊदी अरब से और इंडिया से नॉर्मल होने वाला है। बाकी जितने सारे लोग परेशान हैं सऊदी अरब आने के लिए, बहुत ही जल्दी सऊदी अरब आ सकते हैं। खैर टेंशन की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं मेरे भाई, मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकता हूँ। एक लोग परेशान नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं,
लेकिन जिनके पास अगर टाइम नहीं हो तो दुबई होते हुए लोग अभी इस टाइम आ रहे हैं। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है इस तरीके से आने के लिए सोच रहे थे दुबई होते हुए अभी आप आ सकते हैं, इसमें भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत पैसे इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट खुलने से आपका ये फ़ायदा होगा पैसे आपका कम खर्चा होता है। जी हाँ मेरे भाई, तो खैर इंशाल्लाह जैसे भी अगर अपडेट आता है इंडियन एम्बेसी की तरफ से या सऊदी हुकूमत की तरफ से फ़्लाइट से रिलेटेड कोई भी अपडेट किसी टाइम अगर आता है तो ज़रूर से ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो होता है उनको ऑल पे आप क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे भी कोई वीडियो मैं डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और नोटिफिकेशन जाने के बाद आप वीडियो तुरंत आप देख सकते हैं कौन सी खबर अभी किस काम के लिए आया है आपके लिए।